नमस्कार, इंटरटेप न्यूज में आपका स्वागत है। विकास कार्यों की शिकायत करने से नाराज प्रधान ने साथियों के साथ मिलकर बुजुर्गों को पीटा। गांव के विकास कार्य में हुई गड़बड़ी की शिकायत करने एक बुजुर्ग को भारी पड़ गया। बुजुर्ग की शिकायत पर एडीओ पंचायत मामले की जांच करने गांव पहुंचे। शिकायत करने से नाराज ग्राम प्रधान ने एडीओ के सामने ही अपने गुर्गों के साथ मिलकर बुजुर्ग पर लाठी डंडों से हमला कर मड़ासन कर दिया। घायल ने ग्राम प्रधान से तीन पर हमले का आरोप लगा तहरीर दी है। वही बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। दरअसल मामला कन्नौज के छिबरामो ब्लॉक के सराय गुर्जरमल नई बस्ती गाँव का है। यहाँ कुछ दिन पहले गांव के रहने वाले नरेश चंद्र ने ग्राम प्रधान द्वारा कराए गए विकास कार्यों और प्रधानमंत्री आवास में धांधली का आरोप लगाते हुए शिकायत की थी। शिकायत पर बुधवार को एडीओ पंचायत मामले की जांच करने गई थी। जांच के दौरान ग्रामीणों ने विकास कार्य न कराए जाने की बात कही है, जिसके बाद विवाद शुरू हो गया। विवाद बढ़ा तो शिकायत करने से नाराज ग्राम प्रधान अंकित कुमार ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर एडीओ के सामने ही लाठी डंडों से वृद्ध पर हमला कर दिया। ग्रामीणों ने किसी तरह उनकी जान बचाई। घायल अवस्था में वृद्ध को कोतवाली पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। घायल बुजुर्ग नरेश चंद्र ने बताया कि अपात्रों को आवास दिए गए थे, जिसकी शिकायत के बाद हुई जांच से प्रधान रंजिश मारने लगे थे। बताया कि चौकी पर कार्रवाई के लिए तहरीर भी दी गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसमें वृद्ध को लाठी डंडों से पीटता दिखाई पड़ रहा है। सीओ छिबरामो शिव कुमार थापा का कहना है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हाँ, ये एक वीडियो वायरल हुआ है, उसमें एक बुजुर्ग को प्रधान जी ने मारपीट किया है। इसके संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, उनको दबिश भी दी गई है। अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है, उनको जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उनके खिलाफ जो समुचित धारा बनती है उस धारा में कार्रवाई की जाएगी। सर कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है? अब जो उन्होंने तहरीर दिया, अगर जिसको आरोपी बनाया होंगे, उन सभी आरोपी के खिलाफ मुकदमा सुसंगत धारा में लिखा गया है। वो सभी लोग के खिलाफ विवेचना चल रही है। सभी लोग को साक्ष्य के आधार पर गिरफ्तारी करेंगे और गिरफ्तार करके आवश्यक जो विधि कार्रवाई होती है वो कार्रवाई कराएंगे। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।